प्रदेश में चुनाव के लिए अब कुछ ही समय बचा है कि बीजेपी ने चुनाव के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। टिहरी जनपद के दो दिवसीय भ्रमण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मंसाली में कार्यक्रम सम्मेलन में शिरकत की। धनोल्टी चंबा टिहरी में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद घनसाली विधानसभा में सुबह पड़ागली बूथ पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके बाद घनसाली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और शाम को देवप्रयाग विधानसभा में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सरकार द्वारा किए गए तमाम विकास कार्यों को कार्यकर्ताओं के सम्मुख रखकर जन जन तक बीजेपी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान किया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने घनसाली विधायक शक्तिराज शाह की जमकर तारीफ की और कहा कि पूरे प्रदेश में घनसाली विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए सबसे अधिक चिंतित रहते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि हमारी सरकार ईमानदारी पारदर्शिता से चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार पर अभी तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। दिसंबर तक का रोड मैप बनाया है। रोड मैप के आधार पर जिला मंडल विधानसभा हमारा शक्ति हमारा हमारा सन्ना हमारे सुनने के बैठक को लेकर प्रधानमंत्री की जनसभा तक का कार्यक्रम उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा एक कार्यक्रम है। हमने अभी 256 हमारे मंडल है 254 मंडलों का पावन मुद्रमा कार्यक्रम करा दिया है। अब इसके बाद 70 कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। ये कार्यक्रम कंटिन्यूएशन में चलेंगे। इस बीच में हमारा खुद का वेरिफिकेशन और ये सारे काम चलेंगे। यानी चुनाव को लेकर जो हमने रोड मैप तैयार किया था उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। जो मैं उत्साह देख रहा हूँ 2017 से बड़ी विजय उत्तराखंड राज्य में हमें मिलने जा रही है। हमारी ईमानदारी हमारी पारदर्शिता सारे हमारे पास मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी जी और युवा नेतृत्व उत्तराखंड के हमारे मुद्दे। TNN के लिए पंकज भट्ट की रिपोर्ट।